फर्स्ट क्लास एसी में पुष्पक ट्रेन से, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट क्लास एसी कैसा होता है। ये है पूरा फर्स्ट क्लास का मेन एंट्रेंस लॉबी विद प्राइवेट डोर, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा प्राइवेट डोर है, यहाँ विंडोज है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो कंपार्टमेंट है, इसके अंदर पूरा आपको प्राइवेसी मिलने वाला है। डोर पे भी कर्टन से लॉक है, ऊपर एजेंट्स हो सकता है, नीचे स्टूडेंट, और यहाँ से जाने के लिए अलग से सीढ़ी दी गई है। टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो, ब्लैंकेट की क्वालिटी भी काफी अच्छी दी है, यहाँ सोफा जैसा सीट है, आराम से बैठ सकते हो, पिल्लो है, ये आपका टेबल है, भी आराम से खा सकते हो, विंडो है, विंडो पे कर्टन है, और यहाँ से बहुत प्यारा सनसेट देख सकते हो। फिर यहाँ पे मिरर भी दिया है, रेडियो के ऊपर लगेज रखने तो वो रख सकते हो, स्विच दिया है, एंड यहाँ पे बहुत बड़ा सा मिरर भी दिया है जिसमें हम खुद को ड्रेसिंग होने के बाद देख सकते हैं, जैसे कि अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यस, और उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को एडवर्टाइज करने के लिए यहाँ पे उनका पोस्टर भी दिया है, और यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको डिम लाइट भी मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। तो काफी क्लास है, और फर्स्ट क्लास के एसी का टिकट अराउंड 5,300 के आसपास कुछ होता है, बाकी आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। सो या, और इनके वॉशरूम भी काफी क्लीन होते हैं, और बस, और क्या चाहिए आपको। और गाइस, मैं तो आई गेस फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, और ये मेरा पूरा अयोध्या का ट्रिप सोलो ही रहा है, तो बस मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मुझे फ्लाइट के बदले फर्स्ट क्लास एसी सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस करना था ट्रेन में, तो वो मैंने आज कर लिया है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे को फिलहाल मेरे साथ कोई और अभी तक मिला नहीं है पैसेंजर, और आई गेस नहीं है टीसी बोल के गए, तो ये पूरा कंपार्टमेंट मेरा है, तो आई डोंट नो मैं अकेले क्या क्या अकेले मचाने वाली हूँ। तो बस इतना ही है, झटके। तो गाइस, सारे ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी अवेलेबल नहीं होता है, एंड पुष्पक इज वेरी ओल्ड एंड फेमस ट्रेन जो कि लखनऊ से मुंबई आती है, तो इस वजह से ये ट्रेन में फर्स्ट क्लास अवेलेबल है। तो लकीली मुझे ये फर्स्ट क्लास की टिकट मिल गई है, एंड तो मुझे ये फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। मतलब वो खिचड़ पिचड़ ऐसा भीड़ भाड़ से अकेला अपना अपार्टमेंट मिला है जिसमें मैं फ्रीली रह सकती हूँ, एंड देखने जाए तो थोड़ा सेफ भी है अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो, एंड आई गेस मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ सोलो, तो उस हिसाब से मैंने ये सेलेक्ट किया है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सोलो ट्रैवल करके, काफ़ी सेफ फील है। गेस कितने का? 20 बहुत अच्छा, एक नंबर ही का। इधर आ गया, कितना दूरी के दूर? एक ही चाहिए। थैंक यू। कॉफी कॉफी। गाइस, मैं चाय तो नहीं पीती, बट डेफिनेटली कॉफी लवर हूँ, तो कॉफी पी रही हूँ। यहाँ पे साफ सफाई की भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि टाइम टाइम पे हाउस कीपिंग वाले आते हैं और क्लीन करके जाते हैं आपका डिपार्टमेंट, और यहाँ पे इमरजेंसी नंबर भी दिया है, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट उनको कॉल करके भी ये कर सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इनकी सर्विस, एंड ये फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट आई विल रिकमेंड कि लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर लो यार, फर्स्ट क्लास एसी पर भी टिकट बुक करा के अच्छा लगेगा आप लोग को ही। इनक्रेडिबल इंडिया। बस मैं अभी खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद सो जाऊंगी, एंड देन मैं नेक्स्ट डे पहुंच जाऊंगी। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो
तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, बाय बाय। ट्रेन से उतरने के बाद मैंने लोकल ट्रेन पकड़ा। लोकल ट्रेन पकड़ के मैं पहुंच गई थाना स्टेशन, और मुझे बहुत प्यास लगा था, तो पानी पीने के बाद मैं चल दी मेरे कैब के तरफ। मैंने कैब बुक किया था। जैसे ही कैब आया, मैं मेरा सामान लेके कैब में बैठ गई और कैब लेके मैं मेरे घर पहुंच गई। बाय।